दोस्तों आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हमारे बहुत से ऐसे प्रीचर हैं, टीचर हैं, जो बाइबल के आधार पर न चल के लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। इसी की वजह से हमारे देश की कलीसिया आज बिगड़ चुकी है। मैं आपको आगे उस वीडियो को दिखाऊंगा, तब तक के लिए वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि ये बाइबल के आधार पर बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमारे देश में अंधविश्वास फैला हुआ है और अधिक से अधिक लोगों को ये पास्टर लोग नरक लेके जा सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो हमारी बाइबल सिखाती है। आप जानते हैं कि एक प्रीचर जो होता है वो एक अध्यापक के बराबर होता है। जैसे कि एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो जो अध्यापक सिखाता है वही वो बच्चा सीखता है, चाहे वो 2 × 5 कहे, चाहे वो 2 × 4 कहे। लेकिन जब वो बच्चा परीक्षा में बैठेगा, जब उसको सवालों का उत्तर देना पड़ेगा, तो वो क्या लिखेगा? 2 × 5 ही ना लिखेगा। दोस्तों ये हमारे पास्टर जी हैं और ये कह रहे हैं कि कुर्सी को हाथ लगाते ही लोगों के अंदर पवित्र आत्मा उतर आता है, लोग पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। ऐसा करो, ये चेयर दोनों जन आ जाओ, ये चेयर उठा के यहाँ रख देना। तो एक बात मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए समझाना चाह रहा हूँ, रुकिएगा आप लोग, ठीक है आप सब लोग। वो बात ये है, जो लोग चंगाई ग्रहण करते हैं उन्हें चंगाई मिलती है, जो लोग छुटकारे को ग्रहण करते हैं उन्हें छुटकारा मिलता है दुष्ट आत्माओं से, जो लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा। आप जैसा ग्रहण करेंगे वैसा ही क्या होगा? वैसा आपके लिए होगा जैसा ग्रहण करेंगे। अब देखिएगा, ठीक है, इस चेयर को मैंने क्या कहा? क्या कहा था? भैया से उठाकर यहां रख दो, इसके नीचे यहां, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? दोनों ने उठाई और वहां रख दी। इन्हें कोई भी करंट नहीं लगा? क्या लगा? आना ऊपर आओ मेरे पास, थोड़ा सा नजदीक आओ। करंट का मतलब इन्हें कोई भी वो नहीं, बस कोई नहीं, यही खड़े रहो, इन्हें वो नहीं लगा, समझ रहे कि नहीं समझे? पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ, कुछ नहीं, इन्होंने उठाकर वहां रख दी। क्योंकि इनके अंदर जो थी भावना ये थी कि पास्टर जी ने कहा है और इसको उठाकर हमें वहां पर रखना है, पास्टर जी को चाहिए होगा। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कोई बात कह रहा था, ग्रहण करने की बात कह रहा था, ठीक है। और अब उसी चेयर को यही लोग दोनों अभिषिक्त जो चेयर है, जितने भी भावना में वस्तु होती थी उन्हें अभिषेक किया जाता था और वो अभिषेक तो हो जाती थी, ठीक है। नीचे रख। तो उसी चेयर को अगर अब हाथ लगाएंगे, ये इस मन में ये भावना रखते हुए कि अब जैसे हम लोग हाथ लगाएंगे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, एक कदम से अभिषेक उतरेगा, तो और आप देखना इसको ये हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, इसके साथ आते ही एकदम से वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। So, आप दोनों आना ऊपर और इस ऊपर आ जाओ और इसको जैसे पकड़ा था वैसे पकड़ के देखो। अब इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इस चेयर को यानी कुर्सी को अगर हम छू लेंगे तो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और हमें चंगाई भी मिल जाएगी, मतलब हमारी जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि कुर्सी ही क्यों, बहुत से लोग पत्थर भी छूते हैं उससे भी चंगाई मिल जाती है, बहुत से लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं उससे भी चंगाई मिल जाती है, तो क्या हम उस पत्थर को भी छुएंगे और हम चंगाई पा जाएंगे?
किसी मूर्ति को भी पूजा करेंगे और हम चंगाई पा जाएंगे। ऐसे जो प्रीचर लोग होते हैं दोस्तों, वो अंधविश्वास को अधिक फैलाते हैं। आइए आगे देखते हैं इस वीडियो को। आप देखिएगा, ये वही दो लोग हैं, ये वही दो लोग हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने क्या किया था, इसको उठाया और वहां रखा था। लेकिन उसके उस समय इनके अंदर क्या थी भावना, क्या थी है ना, इसके इनके अंदर उस समय क्या भावना थी, इनको उठाना, राजेश को, इनको दोनों को उठाओ, उस समय इनके अंदर क्या भावना थी है ना, ये भावना नहीं थी कि हाथ लगाते हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। इतनी बड़ी भीड़ थी और इतनी बड़ी भीड़ में से कोई नहीं, आप बैठो, प्रभु आप आशीष करे। इतनी बड़ी भीड़ में से एक औरत गई और उसने प्रभु यीशु मसीह का क्या पकड़ा, पल्ला, कपड़े को हाथ लगा लिया, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को हाथ लगा लिया और प्रभु यीशु मसीह एकदम रुक गए। प्रभु यीशु कहते हैं किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ, समझे, चेले क्या कहते हैं, प्रभु जी किसने छुआ, आप कह रहे हो यहां तो इतनी भीड़ आपको छू रही है। प्रभु यीशु जी ने कहा नहीं, भीड़ तो छू रही थी, इतनी भीड़ प्रभु यीशु के साथ, इधर हाथ लग रहे, इधर हाथ लग रहा, इधर हाथ लग रहा था, कपड़े के साथ लग रहे थे, चेले भी लग रहे थे। प्रभु यीशु जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। तो ये पास्टर जी इस कुर्सी में परमेश्वर का अभिषिक्त देख रहे हैं, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने से और अपने पापों के मन फिराव करने से परमेश्वर हमें अभिषिक्त करता है। चलिए आगे देखते हैं। छू तो सारे रहे थे, तो इन्होंने जैसे पहले इस चेयर को छुआ और वहां लेकर गए, और आप छूने में क्या है अंतर था। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अगर हम किसी पत्थर की को छूते हैं, किसी मूर्ति पूजा को उसी विश्वास से छूते हैं जैसे कि वो बहुत तरह के देवी देवताओं का मूर्ति हो गया या कोई भी चीज हो गया, तो क्या हम उससे जो है चंगाई पा जाएंगे, हम उससे अभिषिक्त हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बाइबल के विरोध है, बाइबल की ऐसी शिक्षा नहीं है। ऐसे जो प्रीचर होते हैं, जो पास्टर होते हैं, वो लोग विश्वास का कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं। विश्वास से छूने का मतलब ये हो गया कि वो औरत जो थी, जो वो स्त्री थी, उसने विश्वास के साथ यानी अपने जीवन भर के पापों से मन फिराव कर लिया था कि हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू हमारा प्रभु है, तू हमारा उद्धार करता है, इसलिए मैंने अपने जीवन में जितने भी बुरे काम किए थे उन सारे बुरे कामों को मैं छोड़ती हूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगी, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, तू जैसा कहेगा मैं वैसे चलने को तैयार हूँ। ये विश्वास होता है, नहीं तो कोई कुर्सी को छू ले, कोई मेज को छू ले, कोई पत्थर को छू ले, कोई मूर्ति पूजा कर ले, इससे परमेश्वर से अभिषिक्त नहीं हो सकता है कोई। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं।